बहुत खुशी हो रही है कि हाँ, क्योंकि सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बेटर लक, बेटर परफॉर्मेंस। पिछले इवेंट्स की अगर हम बात करें इस वर्ल्ड कप में, कैसे आप उसको एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि एक निराशा सी आ जाती है दिल में, जब मेडल नहीं आता। नहीं, बट एक साथ में सीख भी मिलती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन इस बार मुझे भी बहुत ज़्यादा थी, स्पेशली 10 मीटर्स से तो काफ़ी थी कि मतलब हो जाता है, बट 25 मीटर्स में क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा था और फाइनल्स में एफर्ट्स दिए मैंने पूरे। फिर उसके बाद 10 मीटर्स में भी आई नीड टू लर्न मोर थिंग्स। 25 मीटर्स, आई डोंट नो, आई हैव टू लाइक वर्क मोर हार्डर, बिकॉज पहले भी जैसे 5th 6th पे बहुत बार, लास्ट ईयर भी बहुत बार रिपीट हुआ यही चीज़। फिर बट आई विल मेक श्योर दैट आई वर्क हार्डर, बट रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होते हैं। कोई प्रेशर है आपके ऊपर, क्योंकि वो मनु और अभी की मनु थोड़ा सा डिफरेंस आपकी शूटिंग में नज़र आ रहा है? आज की जब फाइनल राउंड चल रहा था तो थोड़ा उधर उधर जाने से, लेकिन बाद में आपने संभाला उसे। हाँ, मतलब मिक्स में हमको ये देखना पड़ता है कि दूसरे शूटर को भी इक्वल टाइम मिल रहा है वो अपना मतलब शॉट फायर करने के लिए, तो बस वो देखना पड़ता है। बाकी तो हाँ, मेरे को बहुत नर्वस होता है फील जब इतनी ज़्यादा नॉइस होती है। ओलंपिक कोटा क्वालिफिकेशन हमारे पास था, यहाँ पर चांस था, हमने बहुत कम उसको यूज़ किया। एक अच्छा चांस था जो आई नो ग्राउंड पे मिल सकता था, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? नहीं, इस बार मैंने अपनी पूरी बेस्ट मेहनत, मतलब बहुत मेहनत करी थी इस बार। लाइक आई यूज़ टू प्रैक्टिस फॉर 6 आवर्स अ डे, सो आई थिंक दैट वॉज इनफ, बट नो, that isn't enough, so abhi aur efforts dene hai, abhi I'll practice more, maybe that'll help me.